अब प्लेलिस्ट को देखते रहो, आपको जो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 30 मैन वर्किंग 4 आवर्स पर डे कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अनदर ग्रुप ऑफ 45 मैन वर्किंग 8 आवर्स पर डे कैन डू ट्वाइस द वर्क। एज्यूम दैट 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 आवर्स एज 4 मैन ऑफ द सेकेंड ग्रुप डू इन 1 आवर, ठीक है। अब देखो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी अगर सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए, देखो ये एक आदमी है, ठीक है, ये बड़ा आदमी है और ये छोटा है, ठीक है। ये जो मैन है और ये बॉय है, मैन डबल इफिशियंट है, मतलब कि अगर मैन किसी काम को 1 डे में करता है तो ये 2 डे लेता है, तो जो जितना टाइम लेगा उसका इन्वर्स करोगे तो उसका एफिशिएंसी होगा, तो इसका एफिशिएंसी ये टाइम हो गया, ठीक है, और ये एफिशिएंसी इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। टाइम जो भी है उसका आप इन्वर्स करो तो उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा। ऑब्वियस बात है मैन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, कुछ कुछ जगह पे बॉयज एफिशिएंट हो सकता है, जो बच्चे वाले काम है उसमें वो बॉयज ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्क एंड वेजेस में ज़्यादातर में मैन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए इनका एफिशिएंसी 2 है और बॉय का 1 है, क्योंकि वो 2 दिन ले रहा है और मैन 1 डे ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग ने ये देखा होगा, ये एफिशिएंसी हो गया, ये मैन हो गया, ये आवर हो गया, ये डे हो गया और ये वर्क हो गया, ठीक है। मैन फर्स्ट यूनिट जो काम हो रहा है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 30 मैन है, कितने आवर कर रहे हैं, 4 आवर्स पर डे कर रहे हैं, कितने डेज के लिए कर रहे हैं, 10 डेज के लिए, और डूइंग ए पीस ऑफ वर्क, तो एक वर्क को कर रहे हैं। इफिशियंसी अभी रहने दो, ठीक है, इफिशियंसी का आगे सेंटेंस है उसको बाद में देखते हैं। सेकेंड टीम जो है उसमें 45 मैन है, ठीक है, वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं डेली, 8 आवर्स। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो एक बार, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और निकालना है कितने डेज वो करते हैं, ठीक है, इसको आप क्वेश्चन मार्क दे दो, और वो कितने काम को करते हैं, ट्वाइस वर्क करते हैं, मतलब डबल वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी का चर्चा था यहाँ पर, एफिशिएंसी देखो क्या होता है, एज्यूम दैट 2 मैन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 आवर्स। अगर 2 व्यक्ति किसी काम को, 2 मैन 2 आवर ले रहे हैं, तो 1 मैन कितना लेगा, ज्यादा लेगा, 4 आवर्स उसको लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का हुआ, फर्स्ट ग्रुप का, ये फर्स्ट ग्रुप का हुआ। अब सेकंड ग्रुप का देखो, सेकंड ग्रुप में बोल रहा है 4 मैन ऑफ द सेकंड ग्रुप डू इन 1 वर्क, 4 मैन है ये 1 आवर लेते हैं, तो अगर 1 मैन को बोला जाए कि उसी काम को आप कंप्लीट करो तो 1 मैन कितना लेगा, ये 4 आवर्स लेगा। तो क्या देख रहे हो, 1 मैन जो 4 घंटे में काम कर रहा है, सेकंड ग्रुप का भी आदमी 1 मैन 4 घंटे में ही कर रहा है, तो इससे क्या मतलब हुआ कि एफिशिएंसी दोनों का सेम है, ठीक है। तब एफिशिएंसी यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन आपको यहाँ पर जो लाइन दिया है उसको समझने के लिए, यहाँ पर तो आपकी एफिशिएंसी वर्क नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगले क्वेश्चन अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन तो ये आने वाले हैं नहीं एग्जाम में, आपको इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझना होगा। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, अब इसको पलट के 1:2 था, इसको 2:1 कर दो, अब डायरेक्ट ऐसे करो,
ऐसे ऐसे काट दो। 15 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4:2, 2 से 2। और अब देखो ये क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा, ये 6/2/3 डेज, ये आपका आंसर। ठीक है,